finishes off in style. अपना टीम इंडिया इस वक्त तेज गेंदबाजों के चोटिल होने से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए और अब वह T20 विश्व कप से भी बाहर हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज के लिए दीपक चाहर टीम में शामिल थे। उन्होंने T20 सीरीज में खेला भी था, लेकिन लखनऊ में खेले गए पहले वनडे से ठीक पहले उनके भी चोटिल होने की खबर आई और वह पहला वनडे मिस कर गए। इसके बाद खबर अब ये आ रही है कि वह पूरे दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं। T20 विश्व कप के लिए उनके वापसी की कितनी संभावनाएं हैं और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए दीपक चाहर का रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़ क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दीपक चाहर को सीरीज के पहले वनडे मैच से ठीक पहले चोट लगी थी। ट्रेनिंग के दौरान दीपक चाहर के टखने में चोट लगी थी और अब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब दीपक चाहर के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से जुड़ने पर भी खतरा मंडरा रहा है। दीपक चाहर को T20 विश्व कप के लिए स्टैंड बाय रखा गया है। जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद उनमें और मोहम्मद शमी में से किसी एक को 15 मेंबर के स्क्वाड में चुना जाना है। चाहर समेत 4 रिजर्व खिलाड़ी 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने वाले हैं। BCCI ने शनिवार को बताया कि चोटिल दीपक चाहर की जगह वाशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर ने भारत के लिए आखिरी वनडे 8 महीने पहले फरवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो वह एक ऑफ स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेते हैं, वहीं दीपक चाहर एक तेज गेंदबाज है। अब एक तेज गेंदबाज का रिप्लेसमेंट स्पिनर कैसे हो सकता है, यह तो शायद BCCI के भी समझ के बाहर की बात है। वाशिंगटन सुंदर दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में अपना डेब्यू किए थे और उस समय से लेकर अब तक उनके हिस्से में सिर्फ 4 वनडे मैच आया है। इन 4 वनडे मैचों में वह 57 रन बनाए हैं और 5 विकेट लिए हैं। अब देखते हैं कि इस सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों में सुंदर क्या कमाल दिखाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों के सीरीज के पहले मैच में भारत को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में होगा और आखिरी मैच 11 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इन सभी मैचों का हम लगातार आपके लिए फैंटेसी वीडियोज भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप ड्रीम 11 पर खेलते हैं, मैं 11 सर्कल पर खेलते हैं, विजन 11 पर या किसी दूसरे फैंटेसी ऐप पर, उसमें आपको अपने टीम में कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए, हम इन सभी बातों का एनालिसिस सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाकर आपको अच्छे से बता देते हैं। इसीलिए आने वाले मैचों के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। दीपक चाहर के रिप्लेसमेंट के रूप में आप वाशिंगटन सुंदर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके यह भी जरूर लिखिए।